हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इस वीडियो में लेके आया हूँ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में ये है, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 14। मतलब जो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से ज़्यादा है, कितना, 14। और उसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहां पे दे रखा है कि जो 17th टर्म है, 17th टर्म को हम कैसे लिखते हैं, ए 17। तो 17th टर्म जो है वो ज्यादा है 10th टर्म से, तो ज्यादा है तो ज्यादा कैसे निकालेंगे, माइनस करके हम ज्यादा निकालते हैं, ज्यादा निकालते हैं किससे, 10th टर्म से। तो 17th टर्म जो है वो ज्यादा है 10th टर्म से, कितना, 14। तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 14। अब इसके बाद जैसे ये 17 है, ए 17 जो है इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 16 डी माइनस, ऐसे ही ए 10 जो है इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 9 डी इक्वल टू 14। तो ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी इक्वल टू 14। नेगेटिव है पॉजिटिव है कैंसिल, तो 16 डी माइनस 9 डी इज इक्वल टू 14। अब 16 डी माइनस 9 डी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहां पे आएगा 7 डी, तो 7 डी इज इक्वल टू 14। देन d इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, कैंसिल किया 2, तो d इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था तो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया 2। तो यहाँ पे हमारे ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आगे इस वीडियो में सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो का। सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑल द 3-डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर। तो 7 से डिवाइड होने वाले कितने 3-डिजिट नंबर्स है वो हमें फाइंड करना है। इसके लिए अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फॉर्म करेंगे, मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करूंगा किसकी, वो 3-डिजिट नंबर्स की जो कि 7 से डिविजिबल है। अब इसके लिए हम जानते हैं कि जो स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर है वो क्या है, 100। अब 100 स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर है, जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 1 7 और यहाँ पे 30 और 7 4 28 और यहाँ पे 2। तो स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 100 में अगर 2 को माइनस करता हूँ 98, तो 98 वो हमारा 2-डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 105। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105। अब इस तरीके से नेक्स्ट क्या होगा, 105 में 7 ऐड कर देंगे तो 112 में 7 ऐड कर देंगे तो 119। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म भी फाइंड करना है, वो भी हम कर सकते हैं कैसे। जैसे कि हम जानते हैं कि लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर 999 है, अब इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 1 7 तो 29, 7 4 28 19 एंड 7 2 14 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 999 को जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर को 7 से, तो रिमाइंडर आ रहा है 5। इसका मतलब 999 में से अगर मैं 5 को माइनस कर दूँ तो 994 आएगा। इसका मतलब लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 994। तो स्टूडेंट्स ये मैंने मेथड यूज करके यहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर लिया 3-डिजिट नंबर्स की जो कि डिविजिबल होंगे 7 से। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर्स डिविजिबल होंगे, तो मतलब हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, मतलब हमें यहाँ पे फाइंड करना है एन की वैल्यू। अब एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा फॉर्मूला ए एन का, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मुझे फाइंड करना है इस वाली टर्म की पोजीशन, तो इसलिए ए एन की वैल्यू होगी 994 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी 105 प्लस एन माइनस 1। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डी कॉमन डिफरेंस होगा 112 माइनस 105 7। अब इसके बाद 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 7। तो ये सब्ट्रैक्शन कर लेते तो 14 माइनस 5 9 8 एंड 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 7। 7 को मैं इस साइड ले आता हूँ तो 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 कैंसिल करते हैं 7 1 7 18 7 2 14 49 7 7 49। तो हमारे पास आ रहा है 127 इक्वल टू एन माइनस 1
पॉजिटिव वन को इस साइड लेके आएंगे तो 127 माइनस वन इस साइड आएगा तो प्लस वन इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू आ रही है 128। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से थ्री डिजिट नंबर्स जो कि 7 से डिविजिबल है ऐसे कितने होंगे 128, तो यहाँ पे हमें फोर ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आगे हम इस वीडियो में नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये है हमारा थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ पी माइनस वन पी प्लस थ्री एंड थ्री पी माइनस वन आर द थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी, हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें ये थ्री टर्म्स दे रखी हैं और इसमें हम देख सकते हैं पी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नाउ स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें दे रखा होता है इसका मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस एक तो होगा क्या हमारा ए टू माइनस ए वन, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल गिव हियर कॉमन डिफरेंस, एज वेल एज थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म डिफरेंस विल ऑल्सो गिव हियर कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म होगा हमारा कॉमन डिफरेंस और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, और क्योंकि ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसके बाद ए टू की वैल्यू सेकंड टर्म पी प्लस थ्री है माइनस ए वन की वैल्यू पी माइनस वन इज इक्वल टू ए थ्री, ए थ्री की वैल्यू थ्री पी माइनस वन माइनस ए टू और ए टू की वैल्यू पी प्लस थ्री। अब इसके बाद p प्लस थ्री ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू थ्री पी माइनस वन माइनस पी माइनस थ्री। अब इसके बाद पॉजिटिव p नेगेटिव p कैंसिल और थ्री प्लस वन इज फोर इक्वल टू थ्री पी माइनस पी इज टू पी एंड माइनस वन माइनस थ्री इज माइनस फोर। अब इस माइनस फोर को इस साइड लेके आते हैं तो पॉजिटिव फोर इक्वल टू टू पी, एट इक्वल टू टू पी, पी इक्वल टू एट अपॉन टू फोर, तो यहां पे हमारे पास p की वैल्यू आ रही है 4। तो स्टूडेंट्स यहां पे p की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला था और यहां पे हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं जिसमें से ऑप्शन ए हमारा 4 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 4 है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे थ्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सोल्यूशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर से। तो स्टूडेंट्स अब आगे हम इस चैप्टर के और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।